दोस्तों अपना देश भारत तैयार है 5G की सुविधा का आनंद लेने के लिए, साथ में अपना देश तैयार है नए आईटी रूल्स के लिए भी। फिलहाल जो अपने देश के अंदर आईटी रूल्स हैं वो सन 1999 में 2000-2001 उस वक्त में पास हुए थे। उस वक्त में ना ही तो क्रिप्टो करेंसी थी, ना ही ब्लॉकचेन थी, ARVR 5G ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं तो भारत को एक नए कानून की ज़रूरत है, कुछ नए डिजिटल आईटी रूल्स की ज़रूरत है, एक्ट्स की ज़रूरत है, और वो एक्ट्स अब इसी साल की दिसंबर के महीने में पास होने वाले हैं। उस एक्ट के अंदर क्या क्या होगा, कौन से रूल्स होंगे, कौन से एक्ट्स होंगे, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब डिजिटल इंडिया एक्ट से पहले इंडिया के अंदर 2019 में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था वो बिल इंडिया ने वापस ले लिया है। उस बिल में जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आपका डाटा हर कैसे यूज़ नहीं कर सकते थे, आपका डाटा पूरा इनक्रिप्टेड उसके अंदर रहता था, ये कंपनीज आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती थी, और भी कई सारे रूल्स थे, वो एक्ट, वो बिल सरकार ने वापस ले लिया है। और पुराने आईटी एक्ट्स को ओवरकम करने के लिए अब इंडिया के अंदर पास होंगे डिजिटल इंडिया आईटी एक्ट। अब इस बिल के अंदर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है बुली के ऊपर। अगर कोई भी किसी को भी ऑनलाइन बुली करता है, हैराश करता है, उसको गंदी गंदी बातें कहता है, गालियां देता है, खासकर औरतों और बच्चों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। अगर किसी के भी साथ ऑनलाइन ऐसा कुछ होता है साइबर में तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। हालांकि अब भी इंडिया के अंदर ऐसे रूल्स हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन वो इतने फिनिश्ड नहीं थे, इतने उनको लागू नहीं किया गया था, इतने अच्छे से वो लागू नहीं थे। लेकिन अब नए आईटी रूल्स आने के बाद में वो रूल्स एकदम सख्त हो गए हैं, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, फाइन भी उसका लगेगा। और इस बिल के पास होने के बाद में मेरे ख्याल से कोई भी रोस्ट नहीं कर पाएगा किसी को भी बिना परमिशन के। अब हम देखते हैं यूट्यूब पर कोई भी किसी को भी कैसे भी रोस्ट कर देता है, लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है, लेकिन इस आईटी एक्ट के बाद में जो भी बंदा जिसके भी ऊपर वो रोस्ट बना है वो चाहे तो शिकायत कर सकता है, और जिसने भी उसका रोस्ट बनाया है उसके फाइन लग सकता है, उसको सज़ा हो सकती है। तो रोस्टिंग वाला सिनेरियो मुझे लगता है इंडिया के अंदर अब ख़त्म हो जाएगा इस पॉलिसी के आने के बाद में। हालांकि जो दूसरे देश हैं उनके अंदर इतने ज़्यादा रोस्ट नहीं बनते क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ऐसे एक्ट्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक्ट और जो कि सबसे सही एक्ट एनवायरनमेंट के लिए वो है वन चार्जर पॉलिसी। अब ऐसा मुझे लगता है ये कुछ EU यूनियन जो होती है ना, उधर यूरोपियन यूनियन वाले देश, उनको देखकर भारत ने ये अपने एक्ट के अंदर पास किया है। इस एक्ट के अंदर क्या होगा कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी छोटे मोटे आइटम्स हैं, छोटी मोटी लाइट्स हैं, उन सभी चीज़ों का एक सेम चार्जर होगा। महंगे मोबाइल के लिए भी वही चार्जर, सस्ते मोबाइल के लिए भी वही चार्जर, आपको एक चार्जर के अलावा कोई भी दूसरा चार्जर दिखाई नहीं देगा। गवर्नमेंट एक चार्जर के डिज़ाइन को पास करेगी और वही चार्जर इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी छोटी मोटी लाइट्स, छोटी मोटी और भी चीज़ें, उन सभी को चार्ज करेगा, उन सभी को चलाएगा। अब इससे जो अलग अलग कंपनीज के चार्जर हैं या फिर एक ही घर में 3-4 अलग अलग चार्जर्स रहते हैं, उन सभी की जगह एक या फिर मैक्सिमम 2 चार्जर आ जाएंगे, तो इससे काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो काफ़ी कम होगा। और ये पॉलिसी है केवल वन चार्जर पॉलिसी, आपके स्मार्टफोन के अंदर पिन अलग अलग हो सकती है, मैं तो कहता था पिन वाला भी सेम ही कर देना चाहिए कि हर एक स्मार्टफोन में टाइप सी होनी चाहिए, चाहे से आईफोन हो, चाहे से मिड रेंज हो, चाहे से एंट्री लेवल हो, चाहे से फ्लैगशिप हो, सभी में टाइप सी पिन और सेम चार्जर, पूरा मसला सॉर्टेड था। लेकिन वन चार्जर पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत फ़ायदा होगा। बाकी अब अगर इस वक्त किसी के साथ क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी हो जाती है, मान लीजिए कोई बंदा है क्रिप्टो करेंसी में कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और उसके साथ क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी हो गई, तो उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। जो जिसने भी धोखाधड़ी की है, जिसने भी चीटिंग की है, उसको हम कोई सज़ा नहीं दे सकते, सरकार कोई सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई रूल ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, तो बिना लॉ के उसको कैसी सज़ा मिलेगी। इस नए आईटी एक्ट के अंदर जितने भी क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बाकी के जितने भी कॉइन्स हैं अलग अलग, उनके रिकॉर्डिंग भी जो रूल्स हैं वो पास होंगे। अगर उनके साथ भी अगर कोई धोखाधड़ी होता है, कोई टैक्स नहीं देता उनके ऊपर, तो उनके भी सज़ा अब फाइन और सज़ा दी जाएंगी। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर शेयर करता है, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना फॉरवर्ड करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन अब लिए जाएंगे। हाल ही के पिछले कुछ 4-5 दिनों में सरकार ने 8 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। वो 8 यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूब चैनल्स थे, 7
चैनल, इंडियन यूट्यूब चैनल थे, एक चैनल था पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान वाले चैनल का एजेंडा था कि इंडिया के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ताकि थोड़ा माहौल ख़राब हो, ताकि थोड़ा तनाव बढ़े। और बाकी के जितने भी 7 चैनल थे वो भी इंडिया के थे, और वो भी यही काम कर रहे थे। वो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स के, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स की फ़ोटो लगाते हैं, वहाँ पर थंबनेल टाइटल में गलत इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और जो भी वो वीडियो के अंदर बताते सब कुछ गलत होता। और वो इतना कुछ अट्रैक्टिव लिखते, इतना कुछ ऐसे अलग दिखते कि वो देखते ही उसके ऊपर क्लिक करते लोग, उसके लाखों करोड़ों के अंदर व्यूज़ आते। तो इन 7-8 YouTube चैनल्स को भारत सरकार ने डिलीट नहीं करवाया है, इंडिया के अंदर ब्लॉक करवा दिया है। इंडिया के अंदर आपसे ये YouTube चैनल नहीं चलेंगे। यही थे दोस्तों कुछ IT के रिगार्डिंग नए रूल्स, और भारत सरकार भी कैसे कैसे IT सेक्टर को लेकर, इंटरनेट को लेकर सीरियस हो रही है। बाकी कैसा लगा आपको अपना वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताना, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।